दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट समझ लग गई, सैल्यूटेशन, देन वी मूव डाउन टू, जैसे मैंने आपको बताया, री स्टेटिंग द एम्प्लॉयर्स ब्रीफ ऑफ द प्रोजेक्ट. और उस पर मैंने आपको यह बताया कि खुदा का वास्ता कॉपी पेस्ट ना करना, अपने अल्फाज में समराइज करके एम्प्लॉयर्स ब्रीफ को बताना, ताकि एम्प्लॉयर को ये सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी मिले कि जो आप बात कर रहे हो वो समझ के कर रहे हो, आपने उसका प्रोजेक्ट समझ लिया, पढ़ लिया, एंड नाउ यू आर रीस्टेटिंग दैट इन योर ओन वर्ड्स. नाउ द थर्ड इज टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, टॉक अबाउट योर स्किल, टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज यू हैव वर्क विद. उसको आसान अल्फाज में कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन तमाम चीज़ों को. तो तय ये पाया कि हम एक पैटर्न से चल रहे हैं, वो याद है ना, सात इम्पॉर्टेंट कीज, चाबी दरवाजे खोलने की, मैजिक ट्रिक अप माय स्लीव्स. तो तीसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे. अब इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आइए उसी एग्जांपल को जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं स्क्रीन पे जाके देखते हैं. ख्वातीन हज़रात, इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, बाय द वे, अगर आप एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर इस वीडियो पर पहुँच गए हैं तो आपको कख समझ नहीं लगनी. कख का मतलब है इतनी भी. प्लीज़ फॉलो प्रीवियस वीडियोस, गो बाय द रूटीन. अगर आप जंप करके सीधा बिडिंग पे आ रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. और मैं, जब आप मुझे मैसेज करोगे, जब आप क्विजेस लोगे, अव्वल तो मुझे पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे मैसेज करोगे और आपने प्रीवियस वीडियो ना फॉलो की हुई, यकीन जानिए मैं अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करूँगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा. सो यू हैव टू कम थ्रू द प्रोसेस, प्रीवियस वीडियोज़ देख के आनी है, डू नॉट जंप डायरेक्टली टू द बिडिंग पार्ट. आइए जी, अब तीसरा पार्ट, वो लोग जो बिल्कुल सही तरीके से पूरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं, आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, राइट? आई नीड टू टेल एम्प्लॉयर हु एम आई, व्हाट इज माई स्किल सेट, व्हाट इज माई एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आई हैव वर्क्ड विद, क्या मैंने इस तरह का काम पहले किया है. एज एन एम्प्लॉयर कंफर्टेबिलिटी लेवल क्या है, कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करते हो और अगर मैंने ऐसा काम पहले किया हुआ एज अ फ्रीलांसर, तो वुड यू नॉट बी इंक्लाइंड टू मूव फॉरवर्ड विद मी एंड सेलेक्ट मी फॉर योर बिजनेस रादर देन मूव फॉरवर्ड विद समवन हु डज नॉट हैव सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ अ जॉब. कॉमन सेंस है कि आप मुझे ही सिलेक्ट करेंगे, आप ऐसे ही फ्रीलांसर को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास ऐसा काम करने की पोर्टफोलियो है, एक्सपीरियंस है. तो अब मैं यहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा और प्लस पॉइंट इंट्रोडक्शन में होना चाहिए. मैं आपके सामने टाइप करूंगा, आइए देखते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन इज, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं. जाहिर है मेरे 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, बट आपका भी अब तक इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अ गोल, रिमेंबर दैट वॉज अ कैच लाइन. इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू आर फ्रेश, इफ यू आर अ न्यूबी, तो आप बाकी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को फ्री में काम दे के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एंड दैट इज़ योर एक्सपीरियंस. सो यू कैन एक्चुअली रेजोनेट विद दैट कि जनाब मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है. मिनिमम इतना ज़रूर रखिएगा, लेकिन अगर आपने 5-6 पोर्टफोलियो कर दिए तो यकीन जानिए वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतने लेवल का काउंट होता है. दैट इज़ मोर देन इनफ. इन माई केस I say I have over 10 years of high quality graphic design experience. I have done similar work. अब ये देखिएगा जी, मैंने बताया कि I have done similar work for a brand being guru, and you can check that out on Facebook at https. और फिर मैंने लिंक दे दिया, URL दे दिया. अब जब employer इस URL पे जाएगा और वो देखेगा कि भाई वाकई ये वो काम हुआ हुआ है, ही विल क्लिक ऑन वन ऑफ द कोट्स एंड ही विल सी अ नाइस ग्राफिक डिजाइन विच सेज अ मैन मेक्स इन्फीरियर्स हिज सुपीरियर्स बाय हीट, सेल्फ कंट्रोल इज द रूल. भाई वो जो चाह रहा था, मैंने तो काम किया हुआ है. ये भी मुमकिन है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट देखते हो और उससे रिलेटेड आधा घंटा लगा के एक दो सैंपल बना के फेसबुक पर रख दें, फेसबुक पर अपलोडिंग फ्री होती है जाहिर है, और उनका लिंक सैंपल्स का अपने क्लाइंट को दे दें. जस्ट लाइक आई हैव डन इन दिस बेड, मैं दोबारा रीस्टेट कर रहा हूं कि जनाब आई हैव डन सिमिलर वर्क फॉर अ ब्रांड बीइंग गुरु एंड यू कैन चेक दैट आउट ऑन फेसबुक एट फलाना, लिंक हो गया. अब यहां पे मैं तीसरी बात करूंगा, और वो बात करूंगा इंडस्ट्री की, क्योंकि आप स्किल की बात करते हो,
आप एक्सपीरियंस की बात करते हो और आप इंडस्ट्री की बात करते हो. तीन बातें होती हैं आपके एक्सपीरियंस के अंदर जिसमें आप इंट्रोडक्शन कर रहे होते हो. सो वो तीन बातें आपके इंट्रोडक्शन में क्या हैं? एक आपका एक्सपीरियंस, दो आपकी जो है इंडस्ट्री, और तीन आपका स्किल सेट. तो ये तीन बातें ज़रूरी होती हैं. मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात कर दी, मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि जनाब मेरा ऐसा पोर्टफोलियो है, स्किल्स हैं. अब मैं बात करूँगा इंडस्ट्री की. तो मैं इनको ये बताऊँगा जनाब कि लीजिए जनाब, आपके सामने सब कुछ लिखा. यहाँ पे मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ताकि एम्प्लॉयर कंफर्टेबल हो जाए कि मैंने लिखा है वर्क विद मैनी मोटिवेशन स्पीकर्स इन द पास एंड हैव डन देयर ब्रांडिंग. बींग गुरु का मैंने लिंक दिखा दिया. एम्प्लॉयर को यह बताने की जरूरत नहीं कि बींग गुरु मेरा अपना ब्रांड है, चूँकि मैं काम उस पर यही कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट भी उसी चीज़ से रिलेटेड है. तो एम्प्लॉयर वुड यू नो गेट कम्फर्टेबल, दे विल अंडरस्टैंड कि यार ये जो बात कर रहा है ना, ये फ्रीलांसर जो क्लेम कर रहा है ना, ये बात बिल्कुल जायज़ है. So this is how you introduce yourself in a project bid, which is actually the third key, and it has to be done concisely, it has to be done effectively. Lambiyan nahi lagani, ye nahi ki ek pura parcha likh liya apna introduction mein. Aajkal to kisi ko haath milao, musafa karo, tab wo itna bada introduction koi nahi sunta, ye to phir bhi online hai. So you have to be to the point in your introduction by following the three key elements, which is you talk about the similar work, you talk about your experience, and then you talk about the industry you have worked with.